Welcome students. In the last video, I took up certain programs, which were very basic programs related to fundamentals of Python. And now I am going to take up next few programs, which will be a little bit tricky one. Okay. So the first question is: write a program to input a 3-digit number from user and print its digit in separate lines. यानी कि आपको एक 3-digit number user से input करना है. For example, 589. And then you have to print the digits of this number in separate lines like this. ठीक है, यहाँ पे हमें एक एक digit extract करनी है number की by applying logic and operators. And then I have to print them on the separate line. Remember. ठीक है, यहाँ पे हमें simply print नहीं करना है, logic apply करके digits निकालने हैं और फिर उससे operation करना है. ठीक है, so see how you will do it. But first of all, for doing this operation, आपको दो operators पते होने चाहिए. And the first operator is modulus operator. And second is floor division operator. Modulus operator, like I discussed in the last video, the last question that I took up, उसमें आपको एक last, एक number की last digit print करनी थी. So what I did, I performed modulus operator on that number by 10. तो रिमाइंडर मिलता है हमें उससे. ठीक है, दिस ऑपरेटर डिवाइड्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन. सो व्हाट एवर इज द रिमाइंडर, वो हमें ये देता है. फ्लोर डिवीजन क्या करता है, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा व्हाट एवर क्वेश्चन कम्स. ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने 5 को 3 से डिवाइड किया तो 3 ones are 3. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मॉडुलस एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ फ्लोर डिवीजन. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो फ्लोर डिवीजन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है. इसका क्या मतलब हुआ, सपोज योर क्वेश्चन इज 10.5, तो ये 10.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, 10 और 11. इन दोनों में से छोटा इंटीजर क्या है, 10. सो इसका आंसर होगा 10. फ्लोर डिवीजन में आपके क्वेश्चन को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उस इंटीजर में जो कि छोटा इंटीजर हो उससे, और वो स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट हो. तो 10 और 11 में 10 स्मॉलेस्ट, इसलिए 10 आपका रिजल्ट होगा. रिमेम्बर दिस थिंग, दिस लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द क्वेश्चन. ओके, you will study about these two operators in detail when we will discuss operators. Okay, now see, first of all I have taken input of the number from the user and I am making sure that he has input a 3-digit number only. Agar usne koi odd number de diya, matlab less than 3 digits or more than 3 digits, to hamara is program ka logic change ho jayega. Theek hai, to isliye ye aapko sahi output nahi de payega. So we are sticking to 3-digit number only. अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n mod 10. अब देखिए, सपोज हम n की वैल्यू 589 ही मान ले, तो हम 589 को मॉड करेंगे 10 से, सो इट विल बी 58 ऑन दिस साइड एंड 580 हियर एंड 9 विल बी द रिमाइंडर. और ये जो 9 है वो देखिए 589 की आखिरी डिजिट है. सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर बाय मॉड्यूलेटिंग इट बाय 10. ठीक है, सो हियर वी गेट द आंसर एज 9, लास्ट डिजिट मिल गई. लेकिन अब हमें चाहिए, अब 589 का 9 तो हम प्रिंट कर ही चुके हैं, एक्सट्रैक्ट कर ही चुके, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा नंबर जो है 589 से 58 रह जाए. और वो कैसे रह जाएगा, आप इसको देखो क्या है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फ्लोर डिवीजन. सो इफ आई स्टोर द रिजल्ट ऑफ फ्लोर डिवीजन इन n, मेरा नंबर 589 से 58 रह जाएगा. ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन करने से अब मेरा n जो हो गया 58 हो गया. यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जब हमने n mod 10 किया, सो द रिजल्ट दैट इज 9 इज असाइन टू ld, इस वेरिएबल को मिला. n को कोई चेंज नहीं किया, n इज ओनली यूटिलाइज हियर, n इज नॉट गेटिंग चेंज, दैट इज व्हाई n 589 था, 589 ही रह गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने n को mod फ्लोर डिविजन 10 किया, आंसर आया 58, और ये 58 मैंने किसको दे दिया, n को दे दिया. तो अब n की
वैल्यू बदल गई, 589 से 58 हो गई। ठीक है, नाउ इफ आई कंटिन्यू दिस वर्क विद n, आपकी बार मेरा n है 58, नाउ मॉड्यूलेटेड बाय 10 क्या होगा, 58 मॉड 10, सो इट विल बी 5, इट विल बी 50, इट विल आंसर विल बी 8। 8 किसको मिल रहा है, SD को, लेकिन n अभी भी 58 है। अब n को अभी क्या बनाना है, 5, तो ये मुझे किसको देना पड़ेगा, n को, इस तरह। तो n को आपकी क्या, आपकी बार क्या मिल गया, 5। तो अब हम चाहते तो यहीं पे प्रोग्राम रख देते, क्योंकि n में पहले डिजिट है, SD में दूसरी डिजिट है और LD में आखिरी डिजिट है, लेकिन स्टिल व्हाट आई डिड, आई डिड दिस, सो n इज 5, 5 मॉड 10, इसको भी करके देख लीजिए, 0, सी रिमाइंडर में क्या आया, 5 आया, तो ये FD को क्या मिलेगा, 5। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, FD, SD, LD, सब लाइन चेंज है, तो FD की वैल्यू क्या है, फर्स्ट डिजिट 5 थी, सेकंड डिजिट 8 थी, थर्ड डिजिट 9 थी, और सेपरेटर लाइन चेंज इसलिए लगाया ताकि FD के बाद लाइन चेंज हो, SD के बाद लाइन चेंज हो, स्पेस ना आए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब ये लॉजिक आप कितने भी डिजिट के नंबर पे अप्लाई कर सकते हो, बट यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। और अब एक चीज और देखो, हमने एक बार ये सीख लिया कि हम किसी नंबर के डिजिट्स कैसे निकालते हैं, अब उस डिजिट को निकालने के बाद हम चाहे तो उस पर और ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन ओनली। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ 3-डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब लास्ट इन द लास्ट क्वेश्चन वी सॉ हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स एंड प्रिंट इट। नाउ आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द डिजिट, डू नॉट प्रिंट इट डायरेक्टली, व्हाट यू डू, यू एड दोज डिजिट एंड देन गिव प्रिंट द रिजल्ट एज द सम ऑफ द डिजिट्स। जैसे कि इफ दिस इज द नंबर, देन 5 + 8 + 9 विल बी इक्वल टू 22, दिस आउटपुट वी वांट। ओके, अब देखिए क्या कर रहे हैं, अगेन दिस मच लॉजिक इज एग्जैक्टली सेम, यहां से लास्ट डिजिट निकाली, फिर नंबर को 589 से 58 बनाया, फिर यहां से 8 निकाला, फिर 58 से उसको 5 किया, फिर 5 निकाल लिया, तीनों डिजिट हमारी FD, SD और LD में आ गया, हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, एंड देन सी दिस इज द फाइनल सम। सो इफ यू कम टू नो हाउ टू कैलकुलेट द, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, उसके बाद आप उसपे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रोग्राम, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ 3-डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट इन रिवर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए, यू हैव टू प्रिंट द नंबर इन रिवर्स, यू डोंट हैव टू फाइंड द रिवर्स नंबर, बिकॉज फॉर फाइंडिंग द रिवर्स नंबर लॉजिक इज लिटिल बिट मोर ट्रिकी एंड इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ लूप, एंड दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ, दिस क्वेश्चन विल बी डन when we study about loops, okay? So here we are just taking up कि अगर 589 is the number, then I have to print it this way, 985। मतलब यहाँ पे हमें एक एक digits निकाल लेनी है और उसको reverse order में print कर देना है। So see, this much logic is again same. I have extracted all the 3 digits, ठीक है? And see how I have printed them. सबसे पहले last digit print की, फिर second, then first. ओके, एंड गेव द सेपरेटर एज नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग इसलिए दिया क्योंकि हमें 9, 8 और 5 के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है? इफ यू विल नॉट गिव सेपरेटर, देन इट विल गिव यू द आउटपुट एज 9, 8, 5, अलग अलग आएगा, लेकिन हमें तो उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया हुआ दिखाना है ना, सो वी डोंट वॉन्ट एनी स्पेस इन बिटवीन दीज टू, दैट इज आई गेव द सेपरेटर एज नल स्ट्रिंग। Then the next program is write a program to input a 3-digit octal number and convert it into decimal. Children, you have already seen the procedure of converting an octal number into decimal in the data representation chapter. And if you have not, then refer to that link and understand all the conversion methods. Okay. So see here. Suppose this is my number 142 in octal, then in order to convert it into decimal, what I have to do? I have to multiply the digits of this number by the powers of 8, starting from 0 from the back.
Okay, so 8 raised to power 0 into 2, 8 raised to power 1 into 4, 8 raised to power 2 into 1. So, see, after this what we are doing? We are adding these, the result of these three and getting the decimal equivalent of the octal 142. Okay, so I have to apply this logic in this program also. Remember, we have already seen how to extract the digits. Digits हमारे पास हैं, उनको उसमें जो पहली digit होगी, that has to be multiplied by 8 raised to power 2. दूसरी डिजिट को 8 raised to power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी डिजिट को 8 raised to power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो सी हियर व्हाट आई हैव डन. आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द थ्री डिजिट्स, एफडी के पास पहली डिजिट है, एसडी के बाद दूसरी डिजिट है और एलडी के पास लास्ट डिजिट है. सो सी व्हाट आई एम डूइंग हियर. 8 raised to power 2, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट दिस इज द एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर एंड इट परफॉर्म्स. अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है देन दिस इज इक्विवेलेंट टू 8 रेज टू पावर 2. सो दैट इज व्हाई 8 रेज टू पावर 2 इनटू एफटी, देन 8 रेज टू पावर 1 इनटू एसटी, देन 8 रेज टू पावर 0 इनटू एलडी एंड देन सी वी आर एडिंग दीज थ्री नंबर्स टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट एंड सी व्हाट आई एम प्रिंटिंग. डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस एन मींस 142 इज डीईसी. Okay, so now whatever three digit octal number you will give to this program, it will give you the corresponding decimal equivalent of that number. Then the next question is, write a program to input height in centimeters and convert it into feet and inches. Means the user will give you input of height in centimeters and you have to convert it, express that height in terms of feet and inches. Okay, for this you need to know the relation. You know that 1 inch is equal to 2.54 centimeter and 1 foot is equal to 12 inches. These two relations are given to you and now you have to apply the logic to find out the height in centimeters into height in feet and inches. Okay, now see, first of all you need to understand. See, 1 inch is equal to 2.54 centimeter. So, we will be given height in centimeter. So, pehle hum us height ko jo ki centimeters mein hai, उसको हम टोटल इंचेस में कन्वर्ट करेंगे. मींस द एंटायर हाइट इज कन्वर्टेड इनटू टोटल इंचेस. ठीक है, फिर जब टोटल इंचेस में हम कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हम उन टोटल इंचेस में से फीट और इंचेस अलग कर लेंगे. मींस टोटल इंचेस आ गए, अब उस इंचेस में से फीट फीट का पोर्शन निकाल लेंगे और जो जब फीट हट जाएगा तो रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग इंचेस हो जाएगा. ठीक है, सो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू इंचेस और इसके लिए हम क्या करेंगे, 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच होते हैं तो 1 सेंटीमीटर विल बी 1 अपॉन 1 सेंटीमीटर विल बी 1 अपॉन 2.54 इंच. ओके, सो सपोज यू हैव टेकन इनपुट ऑफ हाइट इन ए, सो ए सेंटीमीटर्स विल बी इक्वल टू a अपॉन 2.54 इंच. तो इससे हमारे a सेंटीमीटर्स टोटल इंचेस में कन्वर्ट हो गए. सी व्हाट आई हैव डन हियर, a में हमने सेंटीमीटर्स में हाइट ली, फिर इस a को डिवाइड कर दिया 2.54 से, दिस इज द डिवीजन ऑपरेटर. और इससे क्या होगा, हमें इस सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर्स में कितने टोटल इंचेस हैं, दैट वी विल गेट एंड दैट आई हैव स्टोर्ड इन टोटल इंच. ओके, अब इस टोटल इंच को, इस टोटल इंच में से हमें क्या निकालना है, फीट अलग और इंचेस अलग निकालने. तो फीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई विल डिवाइड इट बाय 12 एंड आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 12 द क्वोशेंट दैट आई विल गेट, ओके, दैट क्वोशेंट इन इंटीजर फॉर्म विल बी माय एक्चुअल फीट. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, सपोज आपके इंचेस, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज टोटल इंचेस केम आउट टू बी 336.5 इंचेस. सपोज ये आंसर आया, मान लीजिए. सो इन दिस द 36 इज रिप्रेजेंटिंग फीट, ओके, एंड दिस 0.5 इज आल्सो फीट बट दिस फीट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इंच. ठीक है, तो पहले तो हमें इस डिवीजन का, मतलब टोटल इंच डिवाइडेड बाय 12 का हमें इंटीजर क्वोशेंट चाहिए, सो दैट वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ फ्लोर डिवीजन. ओके, सो दिस
will be extracted by this floor division operator. अगर हमने सिर्फ डिवाइड कर दिया तो हमें आंसर आएगा 36.5 और फिर वो फीट को मिलेगा, लेकिन हमें तो 36.5 में से 36 ही फीट है, 0.5 फीट को तो हमें इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि दीज आर द रिमेनिंग इंचेस. तो इसलिए 36 हमें कैसे मिलेगा, फ्लोर डिवीजन 12 से. ठीक है ना, इंचेस कैसे निकलेंगी, इन्हीं टोटल इंच को अगर आप मॉड 12 करोगे, अभी अगर आप डिवाइड करो तो पॉइंट में अगर डिवीजन नहीं ले जाओ तो जो रिमाइंडर होगा कुछ रिमाइंडर बचेगा. ठीक है, टोटल इंचेस को जब हमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया और रिमाइंडर आया, तो जो क्वेश्चन आया वो हमने फीट में दे दिया और जो इसका रिमाइंडर आया वही रिमेनिंग इंचेस है. सो दिस इज द इंचेस एंड देन यू कैन प्रिंट दीज मेनी फीट एंड दीज मेनी इंचेस. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टाइम इन सेकेंड्स एंड एक्सप्रेस इट इन आवर्स मिनट्स इन सेकेंड. So you will be given input of number of seconds and you have to convert it into hours, minutes, express it into hours, minutes and seconds. So you know the relationship, 1 hour is equal to 60 minutes and as you know that 1 minute is equal to 60 seconds. So 1 hour is equivalent to 3600 seconds. Right. Now see, first of all whatever seconds we get, जो भी हमें number of seconds मिलेंगे, पहले हम उसमें से जितने भी hours हैं उनको निकाल लें. ठीक है, तो उसके निकालने के लिए हम उसको सेकेंड्स को 3600 से फ्लोर डिवीजन करेंगे. क्यों? क्योंकि डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो आएगा वो फ्रैक्शनल आएगा, हमें उस क्वेश्चन का सिर्फ इंटीजर पोर्शन चाहिए, वही मेरे आर्स होंगे. सो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड फ्लोर डिवीजन, क्योंकि फ्लोर डिवीजन क्वेश्चन का इंटीजर पोर्शन रिटर्न करता है. ठीक है, सो एस फ्लोर डिवीजन 3600 will give me the number of hours present in these many seconds. ठीक है, अब hours हमने निकाल लिए तो अब बचे क्या, remaining seconds. Remaining seconds कैसे आएंगे, जो भी remainder होगा इस division का that will be remaining seconds. ठीक है, इसका जो floor division जो question आया वो hours बन गए और जो remainder बचा वो remaining seconds है. अब remaining seconds को हमें remaining seconds में से हम पहले minutes निकालेंगे and after that we will take out, we will get the remaining seconds. Okay, so see here, remaining seconds को हम 60 से floor division करेंगे तो उसमें से जितने minutes होंगे they will be given to MIN. ठीक है, लेकिन जो remainder बचेगा, यहां से देखिए remainder बचेगा, तो जो remainder है वो actual में remaining seconds है. ठीक है, so remaining seconds को mod किया 60 से, we get the final number of seconds. So express it as इतने इतने hours, इतने minutes and इतने seconds. Okay. So this is how we calculate or convert a unit into other unit. So with this children, I end this lecture. I hope all of you must have understood the programs discussed in it. If you have any query, write it in the comment section. Thank you so much.